को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है यार, मैं फॉर्च्यूनर लूं उससे बेटर तो यार ये लेनी चाहिए मेरे को। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई लास्ट व्लॉग तो आप लोगों ने देख लिया होगा, वरना बिक चुकी है, वरना चली गई भी, वरना को गए हुए 3-4 दिन भी हो गए और अब मैं निकल गया हूँ कार हंटिंग पे। इसको देखो, जानकर आगे होकर बैठा हुआ कि व्लॉग में ना आइए। तो अभी मैं टोयोटा जा रहा हूँ यार, मैं जा रहा हूँ IGM टोयोटा, क्योंकि वहीं पे ये कोई अपना नोन लगा हुआ है भाई, तो एक बार गाड़ी देखने जाना है मेरे को। तो दो गाड़ी हैं जो मेरे को पसंद आ रही हैं इस वक्त टोयोटा की, हालांकि ऐसा नहीं है कि वही दो में से कुछ लेना है, बट एक बार टेस्ट ड्राइव तो मेरे को लेकर, फॉर्चुनर की तो हालांकि मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं रखी है, तो फॉर्चुनर की तो क्या ही टेस्ट ड्राइव लेनी है, बट जो दूसरी गाड़ी है उसकी टेस्ट ड्राइव लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट प्लस एक बहुत बड़ा ऑप्शन है यार, बहुत ज़्यादा डाइसी हूँ मैं उस गाड़ी को लेने के लिए। तो अभी बस अब थोड़ी बहुत देर में ही मैं पहुँच जाऊँगा। बाकी यार कमेंट्स में आप लोग भी बताओ कि कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं अच्छी जो SUV 4x4 हो, जो ले सकते हो। बाकी जिसने भी वो कार सेल वाला, वरना का सेल वाला व्लॉग नहीं देखा, तो यहाँ पे कहीं पे आई बटन में आ रहा होगा, तो उसको जरूर देखना। आप लोगों को लास्ट मोमेंट्स दिखेंगे मेरे वरना के साथ। और वैसे यार बहुत ज़्यादा उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेमोरीज थी वरना के साथ। बाकी ये गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है कि आप लोगों को सिर्फ अंदर अंदर से दिखने को मिलेगी। ये फैमिली कार है हमारी, इसकी भी। हाँ अच्छा, मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ कि भाई ये गाड़ी ऐसी गाड़ी है, स्कॉर्पियो N है वैसे तो ये, तो स्कॉर्पियो N ये विदाउट एनी प्लान आई थी कि बस आ गई, और अभी ये आई थिंक Z2 या Z4 या Z6 मॉडल है ये, तो अभी इसके अंदर एलॉयज लगवाने, तो इसकी वीडियो भी बहुत जल्द आएगी कि इसको बिल्कुल टॉप बनाना है मैंने, क्योंकि इसके अंदर देखो सनरूफ तो है बट और कुछ भी नहीं है बाहर से, तो वो सारी चीज़ें लगवा कर आनी, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। बाकी कमेंट्स में बताते रहो कौन कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि अब जब नई गाड़ी आएगी तो बहुत कुछ नया भी आने वाला है भाई। ये रास्ता देखो यार, अब मतलब सोहना से और गुड़गांव का रास्ता ना ऐसा बना दिया कि पहले सोहना से गुड़गांव जाने में ना, मतलब जिनको जो इस रूट पे चलते हैं बेसिकली, उनको पता होगा हमें 1.25 घंटा लगता था सिर्फ गुड़गांव राजीव चौक पहुंचने में, और अब मुश्किल से 15-20 मिनट लगते हैं। और यार ये गाड़ी ना इतनी ज़्यादा प्यारी है कि कोई लिमिट नहीं। बस इसके अंदर एक ही दिक्कत है कि यार ये ऑटोमेटिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ये इशू है कि ऑटोमेटिक नहीं है, बाकी सनरूफ और सब कुछ है इसके अंदर। सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी अपनी में कोई वाला वेरिएंट लगाता है। अगर आप लोग कहोगे कमेंट्स में जरूर बताना कि अगर आप लोग कमेंट्स करते हो तो मैं इसका एक ओनरशिप रिव्यू बना दूंगा कि पूरी गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर था, कितने की ये आई थी और कौन सा वेरिएंट है, क्योंकि वेरिएंट में अभी मैं भी कंफ्यूज हूँ। आज मैं खुद पहली बार चला रहा हूँ यार इसे, पहली बार। कौन सा Z6 है ये, ऐसा जतन बोल रहा है मेरे को, बाकी पता नहीं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा यार ये वाला वेरिएंट, देखो एप्पल कार प्ले सब कुछ ही आता है, बस इसके अंदर बाहर से एक्सटीरियर में थोड़ी सी वो है, तो यार कोई बुराई नहीं है 7-सीटर कार अगर इस प्राइस पॉइंट में आ जाए। इसकी जल्द आएगी मॉडिफिकेशन वीडियो, ताकि अब 10-15 मिनट ही लगने हैं, अब बस पहुँच कर और फिर करते हैं। अब मैंने 5-6 गाड़ियाँ आई थिंक फाइनल करके, 6 या 7 गाड़ियाँ हैं, तो अभी मेरे को सारी देखनी है आज। तो अभी पहले तो टोयोटा ही जा रहा हूँ मैं, क्योंकि टोयोटा मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, बाकी जो उनसे अच्छी लगेगी वो वाली अब 10 से 15 दिनों में आ जाएगी। आ गया भाई टोयोटा, IGM टोयोटा यार, पता नहीं मेरे हिसाब से तो 2 टोयोटा है IGM, क्योंकि मैंने दूसरा वाला भी देखा हुआ है गुड़गांव में। यार गाड़ी कहाँ लगाए अब? अच्छा वहाँ लगाए सामने यार, इन वो भी तो होनी भी तो चाहिए टेस्ट ड्राइव के लिए। ये भी ले गया था ना गाड़ी, देख कौन भाई, ये देखो ये है असली दानव, तो सही लग रहा पीछे बैठने में, अब बोल लेना मुंह से बोल ले, मेरे को थोड़ा सा ना इसका रिक्लाइन एंगल कम लग रहा है बस, क्या कहता है? वैसे ही लग रहा है तेरे को? फुल स्ट्रेट नहीं लग रहा तेरे को बैठने में? देख आगे से बैठने में तो ना, आगे से बैठने में तो ऑनेस्टली प्रॉपर वो है, देखियो बिल्कुल प्रॉपर मतलब सिटिंग पोजीशन है ना जो वो फॉर्च्यूनर वाली। देखो पीछे से थोड़ी सी कमर सीधी नहीं लग रही, जैसे मैं जो मेरे ये है, मेरा जो सिटिंग पोजीशन है इस वक्त ये है, मैं ऐसे ही चलाऊंगा, मेरे को पीछे सही लग रहा है? हाँ या ना तो बोल, सॉफ्ट टच नहीं है बस इसमें कहीं भी, कलर तो ये भी अच्छा लग रहा है। देख इसके अंदर ये भी है 120 का, सीधा सॉकेट लगा सकता है तू अगर बनाना है बना। हाँ हाँ सेपरेटली कभी भी आएगा, कोई इशू नहीं है वो तो मतलब ये हमें मिलेगा, ये मिलेगा, और ये हाइड्रोलिक स्ट्रट्स
ये भी सब आएगा, ये आएगा एज इट इज मिलेगी। ठीक है। मतलब कि हमें बेसिक ये तो मिलेगी मिलेगी ऐसी जैसी ये खड़ी है। दिस मतलब कि ये मैं एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है यार। मैं फॉर्च्यूनर लूँ उससे बेटर तो यार ये लेनी चाहिए मेरे को, तो ये मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। देखो प्रॉपर फॉर्च्यूनर, मैंने सब कुछ समझ भी लिया कि कैसी कैसी मेरे को गाड़ी मिलेगी, कब मिल सकती है। बाकी कलर बताओ, कलर अभी श्योर नहीं हूँ इसके लिए, बट अगर ये लेते हैं तो कलर बताओ कौन सा लेना चाहिए। मेरे को सिल्वर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कलर, तो देखो सिल्वर अभी तो श्योरिटी नहीं है क्योंकि अभी घर जाकर भी फादर साहब से डिस्कशन होगी इस गाड़ी के बारे में। एक एक ही दिक्कत है कि टेस्ट ड्राइव नहीं मिल पाई। टेस्ट ड्राइव गाड़ी सुबह तो खड़ी थी जब मैंने भैया को फ़ोन करा, और अभी नहीं खड़ी, कहीं चली गई है। ये बहुत सही लगेगी, हुक्स भी आएगा इसमें। हैं देखिए क्या हो रहा है, वो लेजेंडर बन रही है, तो लेजेंडर बन रही है भाई ये। यार निकल गए टोयोटा से तो वापस, बट द थिंग मतलब मेरे को जो चीज़ लग रही है ना कि अगर मैं 45 लाख अगर मैं करता हूँ स्पेंड, तो मेरे को थोड़ा सा ये डाले का लग रहा है कि यार इतने में फॉर्च्यूनर आ जाएगी, फॉर्च्यूनर विल बी अ 7 सीटर। लेकिन मैं फॉर्च्यूनर के अंदर फिर कोई फीचर ही नहीं है, इसके अंदर फीचर नहीं है, बट ये प्रॉपर ऑफ रोडर है, तो अभी यार डाइसी हूँ इस चीज़ के लिए। बाकी कलर तो मेरे को सिल्वर ही समझ आया। ओए तेरे को कैसी लगी वैसे? बढ़िया भाई। अरे तो यहाँ तो देख ले यार, इतना ज़्यादा कैमरा चाहिए, इतना ज़्यादा कैमरा चाहिए। क्या कह रहा था अब बता? कुछ भी ना। तो इसमें दिक्कत क्या बोलने में? कोई खाएगा थोड़ी तेरे को, कैमरे में देख कर तो बोलना है। बाकी कलर बताओ। बाकी अभी मैं 3-4 भाई फॉर्च्यूनर तो मैं सच बताऊं इसलिए नहीं देखी मैंने अभी। एक तो डिस्प्ले पे नहीं थी, किसी की डिलीवरी की खड़ी थी तो वो आए हुए थे, तो ऐसे देखने का कोई मतलब भी नहीं बनता। और फिर फॉर्च्यूनर में देखना ही क्या है, फॉर्च्यूनर में कुछ ऐसा सच कुछ देखने का है भी नहीं रियलिटी में। मैंने चला भी रखी, मेरे यार दोस्तों के पास है फॉर्च्यूनर, तो उसमें तो देखना था मेरे को। मेन इसका दो कंसर्न लग रहे हैं, एक तो इसका जो पीछे डाला है, और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो इसकी जो मिडल रो है, मतलब जो लास्ट रो है इसकी पीछे वाली सीट है, वो रिक्लाइन नहीं है, वो बिल्कुल सीधी है, तो थोड़ा सा मेरे को उसका भी इशू लग रहा है। बाकी देखते हैं यार, क्योंकि 45 लाख फॉर 5 सीटर, लेट्स सी। बाकी अब तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब मैं जा रहा हूँ अपनी शादी के लिए नहीं, मतलब आगे एक फंक्शन के लिए कुर्ते पजामे लेना है। कार हंटिंग भाई इतनी मस्त होती है ना कार हंटिंग, जब पता ना तुम्हें अब नई गाड़ी लेनी है, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, कोई लिमिट नहीं होती एक्साइटमेंट की कि नई नई गाड़ियाँ देखनी है। क्योंकि अभी तक क्या है, सब कुछ यूट्यूब पे देखा कि कौन सी गाड़ी कैसी है, और जब तुम इन पर्सन देखते हो तो इन पर्सन में ना बहुत फ़र्क पड़ता है। अब जैसे मैं बैठा उसके अंदर तो मेरे को समझ आया कि हाँ मतलब इतना कुछ वो नहीं है गाड़ी के अंदर। बाकी बहुत रफ टफ कार है, बहुत ज़्यादा भाई, इतना ज़्यादा टफ है ना ये मदनगिरी में गाड़ी को लेकर आना, मदनगिरी में गाड़ी को लेकर आना भाई, हालत टाइट हो गई। मैंने ले लिया अपने कपड़े, जानकर नहीं दिखाया आप लोगों को कपड़े मैंने, क्योंकि बहुत प्यारी दिख लाएगी इन कपड़ों पे ना इंस्टाग्राम पे, तो फॉलो कर लो यार इंस्टाग्राम पे। स्नैपचैट पे तो भाई अंधाधुन वैसा वो आ रहा है कंटेंट की मज़ा ही आ जाएगा आप लोगों को, तो इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे फॉलो कर लो भाई, मज़ेदार। अब देखो कहाँ से निकालूँ मैं यार, बड़ा टफ है यार, बहुत टफ है। देख रोक ले भाई यार, बड़ी दिक्कत है ऐसी जगहों पे ना, छोटी गाड़ी ही चाहिए। आगे से ध्यान रहेगा, आगे से इसको नहीं लेकर आया करूँगा। बीच रेड लाइट में तेल खत्म हो गया भाई का, जबकि टेम्परेरी नंबर है। तो यार भाई टेम्परेरी नंबर है, बट पता है एक्सेसरीज लग रही है, कहीं खरीद रखी होगी, ये भी तो सोच। ये तो चालू होते बोलता क्यों नहीं है यार, इतना इतना ज्यादा वो है। जैसी व्लॉग चालू कर, अभी इतनी देर से बोल रहा था, व्लॉग चालू करते बोलना बंद कर देता है, अभी खुद ही करता टेम्परेरी नंबर, इनकी क्या गलती होगी हैं? थोड़ा बहुत तो बोल रहा है। अरे भैया इतना कैमरा शायद कोई नहीं है, लेकिन ये देखो गाड़ी एवरेज देखो कितनी मस्त दे रही है, 11.3 इसके हिसाब से तो बहुत अच्छी है। नहीं पे बहुत जरूरी काम क्या है उसको भाई साहब, ये जाम देखो देखो भाई, नेक्स्ट लेवल।